अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में आज की जो ज़रूरी अपडेट है वो शेयर करूंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि कफाला सिस्टम में बहुत बड़ा चेंजेज हुआ है। जितने भी कंपनी के वर्कर हैं, अगर उन पे हुरूप भी लगा हुआ है तो भी वो कफाला ले सकते हैं, या फिर कंपनी अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करता है तो फिर उन पे हुरूप ही नहीं लगेगा। तो बहरहाल ये रूल कंपनी वालों के लिए था जो कंपनी वर्कर हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से खबर ये आ रही है कि डोमेस्टिक वर्कर का जो लोग काम करते हैं, हाउस ड्राइवर का, जितने भी हाउस ड्राइवर हैं सऊदी अरब में, अगर उनके ऊपर भी हुरूप लगा हुआ है तो वो कफाला ले सकते हैं कोई और कफिल या कंपनी के पास। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन बताया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने, आपके ऊपर कोई और केस मुकदमा नहीं रहना चाहिए, या फिर कोई तरह का पेनाल्टी या फिर ट्रैफिक वायलेशन का फ़ाइन वगैरह नहीं रहना चाहिए। अगर वो सब कुछ है तो आपको उसको भी क्लियर करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, कोई भी रूल जो लागू होता है ना, वो जल्दी लोगों को पता नहीं चलता है, धीरे धीरे पता चलता है। तो आप में से जितने भी मेरे भाई वीडियो को देख रहे हैं, अपना फ्रेंड को भी अवेयर कर दीजिए। अगर किसी के साथ भी ऐसा कंडीशन है, उसका कफिल ने गलत हुरूप लगा दिया है, तो फिर वो कफाला ले सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कफिल लोग केस भी कर देता है, बेवजह केस कर देता है, तो फिर ऐसे कंडीशन में आपको केस को पहले क्लियर करना पड़ेगा। इसके बाद एक और अपडेट आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से। देखिए, सऊदी अरब में सऊदीजेशन हो रहा है, आप लोग को पता होगा, और टूरिज्म सेक्टर में 100% सऊदीज को जॉब देने का टारगेट है वहाँ की हुकूमत का। टूरिज्म सेक्टर में किस तरह से काम किया जाता है, उसके लिए 6,000 से भी ज़्यादा सऊदी शहरी को ट्रेनिंग दिया गया है, और भी कई लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, दिया भी जा रहा हर एक चीज़ के लिए, ताकि उनको काम करने में आसानी हो। इसके बाद एक खबर आ रहा है जद्दा म्यूनिसिपालिटी की तरफ से। अभी बारिश ने आतंक मचा दिया था जद्दा के अंदर, तो वहाँ का ड्रेन सिस्टम उतना सही नहीं है, उसको ठीक करने के लिए प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। सऊदी अरब में जद्दा में जितने भी ड्रेन है वो सबको ठीक करने के लिए नया प्रोजेक्ट बनाया गया है। अगर इसी तरह का बारिश आगे भी होता रहा तो हो सकता है सऊदी अरब के बाकी शहरों में भी ड्रेन सिस्टम को लोग ठीक करेंगे, क्योंकि अभी का जो ड्रेन है, आप लोग को भी पता होगा, ज़्यादा बारिश हो जाएगा तो वो पानी जल्दी निकलता नहीं, रोड में जाम हो जाता है। इसके बाद एक खबर आ रहा है जवाजात की तरफ से। किसी शख्स ने सवाल किया कि उसका दोस्त छुट्टी गया था कोविड-19 के समय, और कोरोना महामारी में फंस गया, वो सऊदी अरब वापस आ नहीं सका, तो क्या अब वो कोई और नया वीज़ा पे आ सकता है सऊदी अरब में काम करने के लिए। तो देखिए, जवाजात ने इस पर रिप्लाई दिया, जो कि रूल है जवाजात का, कोई भी छुट्टी जाता है एग्ज़िट रीएंट्री वीज़ा पे और वो छुट्टी से वापस नहीं आता है तो फिर 3 साल के लिए वो बैन हो जाता है। जब तक उसका वीज़ा का वैलिडिटी रहता है उतना दिन तक तो ठीक है, जिस दिन वो एक्सपायर हो जाता है उस दिन से 3 साल काउंट करना स्टार्ट करिए, 3 साल हो जाएगा उसके बाद ही वो बंदा वापस आ सकता है, चाहे अभी नॉर्मल वो वेकेशन जाए या फिर कोविड-19 के टाइम वेकेशन जा कर के ना आया हो, सबके लिए सेम रूल है। इसके बाद एक खबर आ रही है रियाद से। रियाद रोड में ऊँट से लदा हुआ एक गाड़ी जा रहा था और अचानक गाड़ी से ऊँट गिर गया दूसरा गाड़ी के अंदर, जिसके वजह से गाड़ी में भी डैमेज आ गया और उस गाड़ी में जो शख्स मौजूद था उसको भी चोट लगा है, लेकिन किसी तरह का जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसके बाद दो ज़रूरी अपडेट इंडिया से आ रहा है। कानपुर आप लोग जानते होंगे, इंडिया का एक सिटी है, वहाँ पर एक स्कूल से खबर आ रहा है कि टीचर ने मैथमेटिक्स का टास्क ना करने की वजह से एक स्टूडेंट को ड्रिल मशीन जो होता है उससे सजा दिया है। ड्रिल मशीन चला करके उस बंदे को सजा दिया जा रहा था, जिसके बाद वो बच्चा को चोट लगा लेफ्ट हैंड में, जिसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उसको हॉस्पिटल भेजा गया। दूसरी खबर है UPI पेमेंट से जुड़ा हुआ। आप में से अधिकतर लोग जो इंडिया में हैं, आप लोग UPI पेमेंट का इस्तेमाल करते होंगे, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, ये बहुत कॉमन है। तो देखिए, UPI पेमेंट का भी एक लिमिट बनाने जा रही है RBI। अभी अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन करते हैं लोग, लेकिन इस पर बहुत जल्द जो है एक लिमिट दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक UPI पेमेंट के लिए भी आगे चल करके फ़ीस देना पड़ेगा। इसके बाद एक खबर आ रहा है कुवैत से। देखिए, एक सर्वे किया गया था कुवैत में कि 94% लोग सिंगल वाइफ के साथ रहना पसंद करते हैं, 94% लोग एक ही बीबी के साथ में रहना पसंद करते हैं। आप लोग जानते होंगे इस्लामिक देशों में एक से ज़्यादा बीवी रखने का रिवाज चलता आ रहा बहुत समय पहले से,
जिसकी इजाज़त इस्लाम भी देता है, उसके लिए कुछ कंडीशंस है। इसके बाद एक खबर आ रहा है यूएई से, संयुक्त अरब अमीरात। उन्होंने 2023 का जो नेशनल हॉलीडे है वो अनाउंसमेंट अभी ही कर दिया है। कौन कौन से दिन यूएई में नेशनल हॉलीडे होता है मैं आप लोग को भी बता दे रहा हूँ। 1 जनवरी जॉर्जियन कैलेंडर का, नया साल जो होता है इंग्लिश कैलेंडर का, उस दिन दुबई में नेशनल हॉलीडे रहता है। इसके बाद ईद उल फित्र में रहता है, ईद उल अधा में होगी, और अराफा के दिन भी रहता है। हिजरी कैलेंडर का जो फर्स्ट ईयर रहता है। इसके अलावा हमारे प्यारे नबी का जिस दिन बर्थडे है, 12 रबीउल अव्वल के दिन भी यूएई में हॉलीडे रहता है। और यूएई का जो नेशनल डे है उस दिन नेशनल हॉलीडे रहेगा यूएई में। तो ये थी आज की अपडेट जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। उम्मीद करूँगा वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।